साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 पेंटिंग TMA 2023-24 का हिंदी मीडियम का, और हिंदी मीडियम का भी हमारे पास उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, सॉल्व है, हैंड रिटन है, और आप डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, यहाँ पर नंबर भी दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। तो है अनुष्ठानिक लोक कला में से किसी एक के बारे में संकोच में बताएं। कोमल, कोलम एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसमें जटिल और रंगीन कला है। चावल के आटे या रंगीन पाउडर का उपयोग करके जमीन पर पैटर्न बनाए जाते हैं। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे अक्सर संदर्भ और कल्याण के अंतरिक करने के लिए घरों के सामने अभ्यास किया जाता है। दूसरा सवाल है कि राजपूत तीर्थ रक्ता की कोई दो विशेषताएं लिखें। जीवन रंग प्लेट के बारे में आप ये लिख दीजिएगा, और तत्व विवरण, राजपूत चित्रों की विशेषता जटिल और सूक्ष्म विवरण है, जो अक्सर जटिल पैटर्न, जावुक चेहरे और बढ़िया बनावट को दर्शाती है, जो कलाकारों को कौशल और संकुचित तत्वों पर ध्यान प्रदारित करती है। पश्चिम बंगाल में कांथा टाके के लिए आमतौर पर कौन सा रूपांव और डिज़ाइन लिए जाते हैं। कांथा सिलाई कटाई का एक पारंपरिक रूप है जो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश से उत्पन्न हुई है। कांथा सिलाई में अक्सर विभिन्न रूपांकनों और डिज़ाइनों की शामिल किया जाता है, जो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व रखती है, और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद इसी के अंदर आगे का ये ज्यामित पैटर्न, ठीक है, देहरादार दोहरावदार और देखने में मन भाव डिज़ाइन बनाने के लिए वर्ण वस्त्र और इन सब चीज़ों का होता है। चौथा सवाल है, कोमल सजावटी कलाएं भाग्य की कथन को सही बताएं। इसके बारे में आप ये लिख देंगे कि कोमल एक पारंपरिक सजावटी कला है जो दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल, इन सब जगहों पे होती है। ये सारी बात इसके अंदर लिख दीजिएगा। अब है शुभ, माना जाता है कि कोमल घर की सौभाग्य और समुदाय लाती है। इसे अक्सर घरों को समाने, विशेष रूप से प्रवेश द्वारा या अंग सकारात्मक अर्जा और आशीर्वाद का स्वभाव करने के लिए रूप से बनाया जाता है। इसके बाद ये सारी बातें इसके अंदर लिख दीजिएगा। पाँचवा सवाल है, पेंटिंग डांस क्लास एक परम सीसी चित्र द्वारा बनाई गई है, चित्र का नाम बताएं और उसकी पेंटिंग डांस क्लास के बारे में बताएं। तो डांस क्लास के बारे में आपको ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है, जो इसके अंदर दी हुई हैं। संगठन, पेंटिंग में बेल मूर्तिकला का एक समूह और एक बेल मालकिन के अपनी दिनचर्या का अभ्यास करते हुए दिखाया गया। वायुमंडल, नर्ती गहन एक तीर्थ कुशलता करता उनकी कला को दिखाया गया है, और बड़ा अपनी कमलता के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बेल की शारीरिक तनाव और सुंदरता को प्रकट करते हुए कार्रवाई का कष्टी होगी। रचना को सावधानी पूर्वक रणनीतिक प्रकाश व्यवस्था में डिजाइन किया गया है। अगला है कि आपकी पारंपरिक व्यंग, ये पूरा पार्ट नंबर 13 में जल रंग के विभिन्न चरणों के साथ समझाया गया है, उसके बारे में पूरा पहले सवाल उतार लें और फिर उसके बारे में यहाँ फोटो लगा लें। फोटो ये मैं दिखाया था, पिक्चर्स हैं इसकी, ये पिक्चर्स हैं, ये लगानी, वैसे मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पिक्चर, वो आप फोटोज लगा दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद भाई ये दिखना आपको जल रंग के बारे में, पानी के छोल गोल मिलाकर इसको बनाया जाता है और इस तरह से पूरा प्रोसीजर है। पोस्टर रंग है और ये पूरी बात है। तो ये था हमारा टीएमए पेंटिंग का। उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग का टीएमए जो मैंने हिंदी मीडियम में बनाया पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके हर दोस्त तक ये वीडियो पहुँचे, और हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों मीडियम में हमारे पास मटेरियल मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स और आपके प्रैक्टिकल सॉल्व प्रैक्टिकल और भी बहुत कुछ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।